शामबाग से तकरीबन 10 घंटे और चित्राल शहर से कोई 2 घंटे की मुसाफत पर कब्रिस्तान वाक़ है, जो कि वादी कैलाश के नाम से दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा मिलनसार और मेहमान नवाज हैं। उनके अकीदे के मुताबिक खुशी ही सब कुछ है। वो समझते हैं कि जैसे किसी के पैदाइश पर खुशी का मौका होता है, इसी तरह उसका मरना भी खुशी का मौका है। कहा जाता है कि ये लोग शाम से आए हैं, जबकि बाज़ माहरीन का मानना है कि ये लोग सिकंदर आज़म की फ़ौज का हिस्सा थे। ये लोग फितरत से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और फितरत ही इनकी ज़िंदगी और रूहानियत पर असर अंदाज होती है। क्या है, मैं कैलाश कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं सूबाई असम्बली का भी रिसेंटली MPA बना हूँ पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से। कैलाश कम्युनिटी जो है एक इंडिजिनस कम्युनिटी है पाकिस्तान में, यूनेस्को के लिस्ट के मुताबिक वाइट इंडिजिनस कम्युनिटी जो है वो कैलाश है। कैलाश पाकिस्तान के इंतहाई शुमाली मगरबी हिस्से में वाक़ एक ऐसा इंतहाई खूबसूरत इलाका है जो 3 बड़ी वादियों बम्बोरीत, रंबूर और ब्रेर पर मुश्तमिल है। कैलाश वादी की तारीख हज़ारों साल कदीम है और आज भी कैलाश की तहजीब और सकाफत के लातदाद सफ़ात ऐसे हैं जो अब तक पोशीदा हैं। कैलाश की सकाफत यहाँ आबाद कबाइल में सबसे जुदागाना और मुनफरद खसूसियात की हामिल है। इनकी सकाफत मुकामी मुस्लिम आबादी से हर लिहाज से बिल्कुल मुख्तलिफ है और इस सकाफत को देखने के लिए दुनिया भर के मुख्तलिफ हिस्सों से सियाह बड़ी तादाद में वादी कैलाश आते हैं। ये कबाइल मजहबी तौर पर कई खुदाओं को मानते हैं और इनकी ज़िंदगी पर कुदरत और रूहानी तालीमात का बहुत ज़्यादा असर रसूख है। यहाँ के कबाइल मजहबी रवायात के मुताबिक कुर्बानी देने का रिवाज आम है, जो इनकी 3 वादियों में खुशहाली और अमन की ज़मानत समझा जाता है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए यूनेस्को की जानिब से कैलाश की सकाफत को बैन-उल-अक़वामी सकाफत का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा यहाँ के लोग सेहत के फ़रोग की वजह से मुख्तलिफ मसाइल से दुचार हो रहे हैं। एक तो ये कि हमारे कल्चर पे इतना ज़्यादा फर्क पड़ा है कि हमने बता नहीं सकती आपको। ये बात है कि पहले जो हम अपने कल्चर मना रहे थे बड़ी मज़े के साथ, सुकून के साथ, हर कोई इंजॉय कर रहा था ना, अभी इस तरह नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि टूरिज्म इतना ज़्यादा है। जिस फेस्टिवल्स की जगह पर भी जाओ कैलाश लोगों को ज़्यादा टूरिज्म आपको नजर आएगा और वो भी आराम से। देखिए, हमें कोई मसला नहीं, एक कैमरा इस किसी के पास कैमरा उधर है, किसी के पास कैमरा इधर है, तो ये तो मसला है ना। इस तरह तो नहीं करना चाहिए ना, अगर आए तो कैमरा मतलब इस तरह करना चाहिए कि कैमरा बंद हो, कुछ भी ना हो, आराम से देखे और चले जाए। इस तरह डिस्टर्बेंस पैदा नहीं करना चाहिए, इससे हम काफ़ी तंग है और बहुत सारे औरतें जो होते हैं इसी वजह से वो अटेंड नहीं करते फेस्टिवल। कहा जाता है कि कई सदियों पहले तक यहाँ के लोग पूरे चित्राल पर हुकूमत किया करते थे, लेकिन अब कैलाश के आवाम की तरक्की के नेटवर्क KPDN के मुताबिक इनकी तादाद अब महदूद होकर सिर्फ 3 से 4 हज़ार के दरमियान रह गई है। स्कूल में बच्चों को कैलाश की मजहबी रवायत पढ़ाने की बजाय इस्लामियात पढ़ाई जाती है। यहाँ की जो रिच कल्चर है चित्राल की, पर्टिकुलरली कैलाश कम्युनिटी की, तो उनका इस्तेहसाल हो रहा था। जिस वे आप डेट वे उनका इस्तेहसाल हो भी रहा है, हो भी चुका है। इस्तेहसाल इस तरीके से कि उनके वसाइल के ऊपर लोगों का कब्ज़ा है, उनके वसाइल को लोग यूज़ कर लेते हैं अपनी बेनिफिट के लिए। इसी तरीके से उनको थोड़ा सा पैसा दे दिया, उनके घर में जितने भी उनके प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो उनके इनकम के ज़राए होते हैं, मिसाल के तौर पर अखरोट के दरख्त होते हैं, उनके बैल बकरियां हैं, उनके चरागाह हैं, उनके खेत वगैरह हैं, जिनको मार्केट के लिए लोगों ने इस्तेमाल किया, कुछ पैसे दिए, कुछ पैसे बचाए, फिर उसको नॉमिनल तरीके से उनको देते रहे, उनको एट ए टाइम कोई प्रॉफिट नहीं आया। तो इसी तरह आने वाला जो कल्चर था पुराने ज़माने में, लेकिन कल्चरल इन्वेजन के बाद डिफरेंट डाइवर्सिटी आ गई। डाइवर्सिटी आने पर कुछ लोगों ने उनको
तंग करना शुरू कर दिया। गरीब लोग हैं, आजीज लोग हैं, शरीफ लोग हैं, तो वो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कल्चरली इतने वो डिप्रेस हो गए कि कोई भी आता है तो उनके हुस्न को देख के वहाँ शादी करने की ख्वाहिशमंद होती है या उनको यूज़ करने के तरीके ढूंढ लेते हैं। कैलाश के लोग पाकिस्तान की सबसे छोटी मजहबी अकलियत है। ये लोग अपनी ज़बान कलाशा बोलते हैं और ये अपने त्यौहार भी इंतहाई खूबसूरत और मुख्तलिफ अंदाज में सेलिब्रेट करते हैं। ताहम अब ये मुनफरद अकलियत नापैद होने के ख़तरे से दो चार है। इनका रक्स, मौसीकी या फिर इबादत अपनी अलग पहचान रखती हैं। यहाँ के बासियों का शुमार आज़ाद ख्याल और पुरमन लोगों में होता है, इसलिए कैलाश में जराइम की शरह ना होने के बराबर है और साथ ही इन लोगों को अपनी पड़ोसी आबादियों से भी शदीद ख़तरा है जो इनकी गैर इस्लामी रवायात को इलाके में आने वाली कुदरती आफात की वजह करार देते हैं। इस तरह तो मैं नहीं कह सकती यहाँ पर कोई फोर्स कन्वर्जन नहीं है, क्योंकि जो भी मुस्लिम हो रहे हैं या कन्वर्ट हो रहे हैं वो अपनी मर्जी से हो रहे हैं, किसी कोई फोर्स नहीं कर, क्योंकि इस्लाम में भी लिखा है कि मतलब ज़बरदस्ती से किसी को मतलब इस्लाम में कबूल नहीं, ये मज़हब में नहीं है ना। अभी तक हमने नहीं देखा है कि यहाँ पर कोई फोर्स कर रहे हैं कि नहीं आपको मुस्लिम होना है ये हो वो, लेकिन लोग हो रहे अपनी मर्जी से हो रहे। इस तरह उन लोगों का इस्तेहसाल हुआ, वो शादी के नाम पर उनको कुछ इंसेंटिव देते थे, अपनी बढ़ाई उनके सामने करते, वो गरीब लोग दूसरों की उस चमक से मुतासिर तो हुए और अपना कल्चर खो बैठा। लेकिन आजकल ये पोजीशन है कि जब लोग वहाँ जाते हैं तो वो किसी से मिलते भी नहीं हैं, अवॉइड कर लेते हैं, कोशिश करते हैं कि ना तो तस्वीर कशी हो जाए ना उनके साथ गुफ्तगू हो जाए। ये सबसे ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट हुआ है हमारे और उनके बीच कल्चर को। दूसरी बात यह है कि इकनॉमिकली वो लोग कितने पुअर थे, तो उनकी ज़मीनें थी, होटल्स के क्या नाम है अपना टूरिज्म शुरू हो गई तो होटल बनने शुरू हो गए, तो कभी एक पठान आया तो कभी पंजाबी आया तो कभी सिंधी आया, सब जो वडेरे हैं अपने अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट के लिए वहाँ पर तशरीफ़ ले आए, वहाँ पर उनकी ज़मीनों को कम पैसों पे ख़रीदा और उन पर होटल तामीर कर दिया और उन लोगों को वहीं नौकर बना के रखा। इंटेंशनली अगर ना भी हुआ हो, अनइंटेंशनली ज़रूर हुआ है। अब कैलाशियों को खौफ है कि उनकी सकाफत, ज़बान, बल्कि अब वो भी खुद को खतरे में महसूस करते हैं, क्योंकि उनकी नौजवान नस्ल बहुत तेज़ी से मज़हब तब्दील करते हुए या तो मसीह हो रहे हैं या फिर मुसलमान। कैलाश के लोग इस वक्त सख्त मुश्किलात और कश्मकश में मुब्तला है। वो अपने रस्म व रिवाज को बरकरार तो रखना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि खुद को इर्द गिर्द के बदलते हुए हालात से कैसे महफूज रखें। इसी के साथ साथ ये लोग तरक्की भी करना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि अपनी तहजीब व तमद्दुन को कैसे कायम रखें। ये लोग ज़्यादा तलीम याफ्ता भी नहीं हैं, इसलिए इन्हें गुरबत सब कुछ छोड़ने पर उकसा रही है।